घर से बिना किसी जिम के सामान के किस तरह से आप अपनी लैट मसल्स को मस्कुलर और चौड़ा बना सकते हैं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो जो लोग अपनी बैक को मस्कुलर और चौड़ा बना लेते हैं तो उनकी बॉडी में वी शेप आ जाता है, जिससे ऐसे लोगों की बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी अपनी बैक को मस्कुलर और वी शेप में लाना चाहते हैं। पर ज्यादातर लोगों को जिम में मशीन्स पर ही बैक की एक्सरसाइज की जानकारी होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर पर वो बिना किसी जिम की मशीन के बैक मसल्स की वर्कआउट नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, बैक की बहुत सी ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप घर पर बिना किसी जिम की मशीन या सामान के कर सकते हैं। तो 6 एक्सरसाइजेज से मिलाकर एक जबरदस्त वर्कआउट प्लान अब हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, जिससे तेजी के साथ आपकी बैक मस्कुलर और चौड़ी बन जाएगी। पर पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिटनेस में अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है रिवर्स स्नो एंगल्स। इसे करने के लिए आपको जमीन पर उल्टा लेट जाना है और अपना मुंह हवा में आपको रखना है, और फिर अपने हाथों को इस तरह से मूव करते हुए इस एक्सरसाइज को आपको करना है, जिससे आपके लैट्स मसल्स खींचते हैं और इन पर प्रेशर आता है और साथ में ये ट्रेन भी होते हैं। इसे आपको 30 सेकंड तक लगातार परफॉर्म करना है और फिर 15 सेकंड का रेस्ट आपको लेना है और फिर दोबारा 20 सेकंड से 30 सेकंड इसे करना है। नंबर 2 पर आपको बैक एक्सटेंशन विद टॉवल एक्सरसाइज करनी है। इसे करने के लिए आपको बस एक टॉवल लेना होता है, फिर आपको जमीन पर इस तरह से उल्टा लेट जाना है और टॉवल को लगभग इतनी दूरी पर आपको पकड़ना है और फिर आपको अपने लैट मसल्स को खींचते हुए और लैट मसल्स पर प्रेशर डालते हुए इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इससे आपके लैट मसल्स बाहर की तरफ आते हैं, जिससे वी शेप बनाने में मदद मिलती है। 30 सेकंड तक आपको इसे परफॉर्म करना है, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेकर दूसरे सेट में 20 से 30 सेकंड दोबारा परफॉर्म करना है। नंबर 3 पर आपको बैक हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसे करने के लिए भी आपको पेट के बल जमीन पर लेटना है और अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखना है और फिर अपनी चेस्ट को हवा में उठाते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म इस तरह से आपको करना है। इससे आपकी लैट मसल्स इंगेज और अच्छे से ट्रेन होती हैं और इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप लैट मसल्स की ग्रोथ के लिए जरूर परफॉर्म करें। पहले सेट में आपको 30 सेकंड तक इसे करना है, उसके बाद 15 सेकंड का रेस्ट लेकर फिर दूसरे सेट में 15 से 25 सेकंड तक इसे करना है। फ्रेंड्स, अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 4 पर पल्स रोज एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें भी पेट के बल आपको लेटना है और फिर आपको अपने हाथों को पीछे इस एंगल में रखना है और फिर अपने हाथों को और चेस्ट को एक साथ उठाते हुए इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको करना है। ये एक्सरसाइज भी आपके लैट मसल्स पर खिंचाव और प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे लैट मसल्स की ग्रोथ होती है। लगातार 20 से 25 सेकंड का पहला सेट आपको लेना है, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेकर दूसरे सेट में भी आपको 15 से 25 सेकंड का सेट लेना है। नंबर 5 पर आपको सुपरमैन्स एक्सरसाइज करनी है। इसे करने के लिए भी आपको पेट के बल जमीन पर लेटना है, फिर एक साथ अपने दोनों हाथों को, चेस्ट को और पैरों को एक साथ इस तरह से उठाते हुए इसे आपको परफॉर्म करना है। इसे करते हुए आपको झटके से इसे नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने पर इंजरी आपको हो सकती है। तो आराम से इसे परफॉर्म करें और 20 से 30 सेकंड का एक सेट लेकर 15 सेकंड का रेस्ट आपको करना है और फिर दूसरे सेट में आपको 15 से 25 सेकंड तक इसे करना है। नंबर 6 पर बैक विडो एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, और इसे करने के लिए आपको अपनी कमर के बल पर सीधे लेट जाना है और फिर अपनी एल्बो यानी कोहनी के बल पर आपको ऊपर उठ जाना है और ऊपर उठने पर आपको कुछ सेकंड अपनी बैक पर जोर डालते हुए रुकना है और फिर वापस नीचे आना है और इसी तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। ये आपके लैट मसल्स को डीपली ट्रेन करेगी, जिससे तेजी से आपके लैट मसल्स ग्रो होंगे। पहले सेट में 25 से 30 सेकंड आपको इसे करना है, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेकर दूसरे सेट में 15 से 25 सेकंड इसे आपको करना है। फ्रेंड्स, होम वर्कआउट पर हम इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप होम वर्कआउट करते हैं तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।